नमस्कार नुआ सकाळ रे सबु चासी भाई भणी मानको अन्नदातार एक नूतन अध्याय को आपनको स्वागत करूछि मु स्वागतिका दर्शक बंधु भल अमल पाइबा को हेले उन्नत मानर बिहन व्यवहार करबा उचित बिहन जदि खराब होइथाय तेबे जति भल चास कले मध्य तहिरु अधिक अमल मिलि नथाय आम चासी भाई माने साधारणतः निज जमीरु बिहन रखि बणी थांती आम ओडिसार मुख्य खाद्य फसल हेउछि धान धानर उत्पादन हार अन्य राज्य तुलनारे बहुत कम ए धान बिहन उत्पादन किपरि करि परिबा से विषय रे वैज्ञानिक कोन परामर्श दैछंती आसंतु जानि नबा आम राज्य रे तथा देश रे उत्कृष्ट बिहनर आवश्यकता रहिछि कारण जदि चासी भाई माने उत्कृष्ट धरणर बिहन व्यवहार करिवे तेबे भल फसल पाइ परिबे एवं अधिक लाभवान हे परिबे तेबे उत्कृष्ट बिहन पाइबा को हेले आम मानकु प्रमाणीकृत बिहन को व्यवहार करने को पड़ प्रमाणीकृत बिहन बा सर्टिफाइड सीड जदि आम व्यवहार करवा ताहले सेथिरु अधिक उत्पादन मिली पारिथाय तबे आमर जो सर्टिफाइड सीड बा प्रमाणीकृत बिहन बजार रे उपलब्ध होउची सेगुडिक पिंड बिहन रो प्रस्तुत होइथाय बा फाउंडेशन सीड जोटा को आम पिंड बिहन कहचे ताहा ब्रिडर सीड बा प्रजजक बिहन रु बा मूल बिहन रु प्रस्तुत होइथाय जो फाउंडेशन सीड जो आम बजार रे बंध उपलब्ध हुए ताहाकु विभिन्न चासी भाई माने ताहाकु नै प्रमाणीकृत बिहन बा सर्टिफाइड सीड प्रस्तुत करिपारिबे किंतु सेथिपई सेमाने ओसपका जो आम बिहन प्रमाणीकरण संस्था रहिछि ता सहित अनुबंधित हे ताकु रजिस्ट्रेशन करि बिहन उत्पादन करिबा पई फॉर्म दाखल कले ताकु अनुमति मिलिले सेमाने प्रस्तुत करिपारिबे से ब्रीडर सीड बा मूल बिहन रु परवर्ती अवस्था रे फाउंडेशन सीड प्रस्तुत हुए फाउंडेशन सीड बा पिंड बिहन रु प्रमाणीकृत बिहन बा सर्टिफाइड सीड उत्पादन हुए उत्कृष्ट मानर बिहन आम व्यवहार करिबा ताहार उपादेयता बहुत रही कारण जो आमर सर्टिफाइड सीड रही से बिहन बा किसमर शुद्धता प्राय शतकड़ा 98 भाग एवं जोटा फाउंडेशन सीड तार जिनिय शुद्धता बा किसम शुद्धता शतकड़ा 99 भाग एवं सेथिरे अन्य अन्यन पदार्थ जेपरिकि कुंडा चसु एउडा रहिबा गोड़ी एउडा रहिबार संभावना बहुत कम बा नथाय तेणु आम मैंने सबुबले किसम चयन कला बेले जेको किसम आम सर्वप्रथमें सर्टिफाइड सीड किंबा ट्रुथफुली लेबल्ड बा विश्वसनीय बिहन किंबा फाउंडेशन सीड बा पिंड बिहन व्यवहार करिबा तेबे ए जो बिहन जदि आम भल व्यवहार करिबा ताहले आम भल फसल पाइपर तेणु जदि आम सर्टिफाइड सीड बा प्रमाणीकृत बिहन निज जमि प्रस्तुत करुचे तेबे केते गुड़िए दिग प्रति जे ध्यान दबा ताहले आम मध्य सेथुरु अधिक उत्पादन पाइपर एवं ताहा जेतेबेले पंजीकृत हो सारा ताहा जेतेबेले सीड कॉर्पोरेशन द्वारा ताहा संग्रहित हे ताको आम विक्रय करवा सेतेबेले आमको जो ओसपका द्वारा जो सर्टिफिकेट प्रदान करा सेतेरे कौनसी असुविधा हेबने भल बिहन उत्पादन करने को हेले गछगुड़िक हृष्टपुष्ट हवा दरकार कारण वॉलंटियर क्रॉप्स बा पूर्व फसल रु किसी मंजी झड़करी पड़ता है जोटा कि जना पड़ न था परवर्त अवस्था सेगुड़िकर आकार एवं सेमन फुलर लक्षण को देखी ताकु रोगिंग करी बाहर करिबा दरकार तेबे जेतेबेले फसल वेजिटेटिव अवस्था बा तार जो रिप्रोडक्टिव अवस्था बा वेजिटेटिव अवस्था थिला बेले जेतेबेले तार पिल दउची सेथरे केंडा आसिनी केंडा परवर्ती अवस्था रे आमको अन्य प्रजातिर बा अन्य किसमर जो गछ रहिछि ताहाकु अलगा करिवाकु पड़िबो ताहाकु ओपाडी देई किंबा मूळरु काटी देई ताकु अलगा करिवाकु पड़िबो एहाकु रोगिंग कहा जाए ए रोगिंग द्वारा आमे किछि मात्रा रे अन्य जो किसमर जो फसल रहिछि ताहाकु अलगा करिपरिबा परवर्ती अवस्था रे जेतेबेले सेतेरे केंडा आसी थाए से केंडार आकार एवं तार रंग को देखी मध्य आमे अलगा करिबा तथापि मध्य किछि केंडा एका प्रकार रही थाए तबे जेतेबेले केंडाटी संपूर्ण बाहरी जाए एवं पाचिबा अवस्था को आसी जाए सर्वप्रथमे जो केंडा गुड़िक नईबा पूर्वरु ताहाकु आमे अन्यर अंग देखायौथिबो से केंडा गुड़िकु आमे अलगा करी बा रोगिंग करी मध्ये ताकु बाहर करदेबा एहिभली भावरे आमे गछ लगेबा ठारु बा तळी रोईबा ठारु आरंभ करी शेष पर्यंत जदि आमे बिहन रोगिंग करिबा एवं दुई तीन पर्यायर आमे फिल्ड इन्स्पेक्शन करिबा बा फसल को लक्ष्य करिबा ताहले आमे भल बिहन पाइपरिबा तेबे फसल अमल परे ताहाकु मध्य निर्दिष्ट उपाय जदि ताकु अमल करिबा ताहले शुद्ध बिहन पाइपरिबा कारण जो खळा को नबा से खळा रे सेही किसमर
जदि फसल अमल होइछि ताहले भल कथा किंतु जदि न होइछि ताको भल भाबरे सफा करि पोछा पोछि करि खोला को आमको सेठी आमर बिहन उत्पादन पर रखिबा तापरे बिहन अमल करिबा विशेष आवश्यकता न पड़े ताको फसल गुड़ी को हाथ रे काटिकिरि ताको नेकि सुखैला परे खोला रे रखि बिहन अमल जदि आमे करिबा ताले शुद्ध बिहन पाई परिबा किंतु जदि आमे यंत्र व्यवहार करिकि कंबाइन हार्वेस्टर व्यवहार करजे ताहले जो कंबाइन हार्वेस्टर रे जो तार थली रही बास्केट रही देहरे जो पूर्व फसल कौटू अमल होता तहार किसी मात्रा रही जाइ जोटा कि शुद्धता को नष्ट करथाय तेणु ताकू जदि भल भाव आम निरीक्षण करवा सफा करवा व्यवहार करवा किंतु से तापमात्रा अधिक हेले किसी बिहन रपर स्तर भांगी जाए चाउल होता है से दिग्क दृष्टि रखी आम कंबाइन हार्वेस्टर व्यवहार नक आम जब हाथ से काटा थ्रेसर रे एक्सेल फ्लो थ्रेसर व्यवहार करी आम बिहन उत्पादन करवा ताहले उच्चमानर बिहन पाई ठीक समय रे अमल उपयोगी हेले जो तार आर्द्रता शतकड़ा 14 भाग को आर्द्रता आसीजीव से ही समय रे आम अमल करवा उचित कारण आर्द्रता जदि रहिबो मंजीरे ताहले सेतेरे परवर्ती अवस्था रे लागिवार बा पोक आक्रमण करिवार संभावना रहिछि तेणु आम ताकु लक्ष्य करी आमर मॉइश्चर मीटर अछि ताकु व्यवहार करिके आम व्यवहार करि परिबा किंबा आम गतानुगतिक उपाय गोटे धान को जदि आम दात मझे रखा जदि कड़कनी से भांगला जाणीबा ठीक आर्द्रता से आसी कि आम अमल कर सारापर तीन चार खरा दे तार आर्द्रता को बहुत कम करापर ताकु बैग्रे भर्ती करवा प्रोसेसिंग प्लांट बा प्रोसेसिंग सेंटर को ओसपका जे आमको रजिस्टर्ड करेछि तार अनुमति नहीं थ्रेसिंग फ्लोर सर्टिफिकेट नहीं ताको आम प्रोसेसिंग प्लांट रखिबा ता प्रोसेसिंग परे तार प्रमाणीकरण संस्थार जो अच्छी अनुमोदित टेस्टिंग लैबोरेटरी सेठिक आम से बिहन को पठेबा से तार बिहन गजा परीक्षा एवं अन्य आनुषंगिक परीक्षा पर जितेबाला आमको टैग मिलिबो ताको आम बैगिंग बा टैगिंग करी ताको आम बजार रे विक्रय करिपरिबा किंबा विभिन्न से सीड कॉर्पोरेशन बा बिहन निगम को बिहन जोगई परिबा। दर्शक बंधु कंद जातीय जेती सब फसल रही सेगुड़िक मधरु सारू खंबआलु कंदमूल एवं ओलुअर चाहिदा आम राज्य रे अधिक तेणु आगको एपरी चाहिदा को लक्ष्य रे रखी कंद जातीय परिबा गुड़िकर चाष प्रति चाषी माने मन बळाइथांति जदि लक्ष्य एया ताहले चाषी को चाष आरंभ रु ही उन्नत चाष कौशल प्रति दृष्टि देवा आवश्यक ए समय ओलुओ चाष किपर वैज्ञानिक पद्धति रे चाष करि परिबा सेही विषय रे आसंतु जानि नबा। आज आम बालेश्वर जिले में प्राय चाषी मैंने आमर देखिए बर्तमान कंदजातीय फसल गुरुत्व दि जाऊँगी कंदजातीय फसल भितर आमर जमी ओलुओ सारू कंदमूल किंतु आमर एटी ओलुओ चाषर चाहिदा बेसी रही ओलुओ चाष करी चाषी भल पैसा रोजगार कर मार्केटिंग भी आम किणा बिका जोटा करी असुविधा सम्मुखीन होना तेणु ओलुओ चाष बर्तमान देखा जाए बहुत लाभजनक फसल आउ कंदजातीय फसल भितर आमे ओलुओ चाषटा को मुख्य व्यावसायिक भित्ति आम करेणु ये चाष केमी कले आम लाभजनक भाव से विषय आम टे आज पुंगानुपुंगान आलोचना करवा फसल साधारणतः आम जानते आप आम एप्रिल मे मसर आम फसल को आरंभ करलुओ चाष करने को आम प्रथम है भल बिहन दरकार जदि भल बिहन आपे भल बिहन लगे तेल आमर भल फसल को आम आशा रखा तेणु भल बिहन विषय आमर जो कृषि विज्ञान केन्द्र बालेश्वर द्वारा आम चाषी की आम भल बिहन जगह आमर ये देखिए आमर परिसर केबिके परिसर भितर आमर ओलुओ चाष भी वैज्ञानिक पद्धति ओलुओ चाष कर यार बिहन को आम रखिकी चाषी मान जोगई पारु भल बिहन भितर आम गजेन्द्र भेरैटी गोटे भल किसम अच्छी आउ गोटे किसम हूँ आमर श्री पद्मा ये दुईटी किसम आम भल रेजल्ट आसम भल अमल भी पाँच तेणु आम आम जो कृषि विज्ञान केन्द्र तरफ कितु आम गजेन्द्र भेरैटा को आम चाषी को जोगाई देसु से जो कर्मटा रोचे से कर्म को आप पीट पिछा आमको 500 ग्राम दरकार से कर्म आईटा को जदि बड़ आपणकर काटिकी आपत 500 ग्राम लेखे करूँ 500 ग्राम कलापर
आमे ताकु कौन करिबा गोबर टिके कंचा गोबर नेबे एवं सेतरे पानी टिके मिसेकी गोटे स्लरी तयारी करिवे सेतरे टिके आपण जदि कार्बाडिजम 2 ग्राम गोटे लीटर पिछा हिसाब रे आपण कार्बाडिजम मिसेई दियंतु ताकु करिके गोळया गोळी करसला परे आमे जो ओलो खंडा गुडी को काटीथिबा ताकु सेतरे भिजेई दियंतु 15-20 मिनिट ताकु तापरे भिजिगला परे तार से जो कर्मडाक आमे काटीथिबा ताप ऊपर गोटे गोबर स्लरी गोटे आवरण सृष्टि हो जाए एवं ताकु बाहर करके आम छाई जगार सुखदा से सुखीगला आम से पीट्रे गात जो खोली से गोबर खत देकर आम लगे जमीटी को भल भाव समतल करूँ ता सहित आम जो दूरता रखा गोटे लाइन को आ गोटे लाइन 90 सेंटीमीटर एवं गछ गछ आम 45 सेंटीमीटर एवं गछ जो आम लगे से जगार गात कर सेतरे आपणकर होची गोबर खत 2 KG लाखे गोटे गोटे पीट पिछा दियंतु जदि आपणकर किसी जाणिथुबे जदि रोग पोक किसी संभावना अच्छी ताहले से गातरे आपण टिके निम पिड़िया भी दियंतु निम पिड़िया देकर आपण ये खंडा गुड़िक लगेबे एवं लगेलार देखिबे आपण साधारणत आमर 20-30 दिन लागि जाय तार गजा बाहरिया को एवं गजा बाहरला परे आमे टिके आउ टिके कोडाखोसा करिकि आमे ता मूल को माटी देवा हुड़ा टेकी देवा एवं जो एटा गोटे साधारणत आमर वर्षा दिनिया ओलो चाष करा जाए तेणु जलर आमर जल परिचालना करिबा विशेष दरकार पड़ी न था किंतु पानी जमी रही जमी रे जदि पानी जमी रही ताले जो कर्म गुड़ाक आम लगे से गुड़ाक पची जाए तेणु वर्षा दिने साधारणत वर्षा हो गले जदि अत्यधिक वर्षा होती जमीर जल निष्कासन करने आप व्यवस्था करवा दरकार आमती जल आम जमी न रही पशी ध्यान देवे तापर आम जोटा हो गला आम सार टे प्रयोग करवा जदि आम सार टे देवा भल अमल भी आम पाई गोटे हेक्टर पिछा आम साधारणत 80 KG जबखारजान 60 KG फस्फरस एवं 100 KG पटास सार को आम गोटे हेक्टर पिछा दबा लगेला बेले आम अधा जबखारजान संपूर्ण फस्फरस एवं पटास सार अधा आम देकी लगे एवं तार 45-50 दिन हो गला आम बाकी अधा आमर जो जबखारजान रहा पटास सार को मिसेक आम जब प्रयोग करवा आमर भल अमल पाई आउ गोटे दृष्टि देखिए जेहेतु यहाँ वर्षा दिन आम चाष करूचे से वर्षा दिन में अनावना घास बेसी हबार संभावना अच्छी तेणु जमी की जदि आम सफा सुतरा रखा घास मुक्त रखा ताल आमर रोग पोक दायरु आम रक्षा कर यार विशेष तो किसी बेसी रोग पोक आसेनी किंतु आम देखा मिलूँ जे जदि आपणकर प्रथम लगेला समय जदि वर्षा हो जाए तो जदि जमी में पानी टिके जमी रही कि से जो कर्म पाखे जदि टिके पानी संस्पर्शे आसे ताल से कर्म गुड़ी पचि जाए से आम जो आगुरी कहली जे जल निष्कासन पर गुरुत्व देवा दरकार आउ गोटे आम देखुचे जे जो 50-60 दिन हो जाऊँगी से समय आप देखिए गोटे पत्र दाग रोग आस हलदिया पड़ जाऊँ से तापर पर संपूर्ण सुखिकी से पत्र खरिया खरिया होखी जाइ आईटा हूँ आम पत्र दाग रोग यही दाग रोग जो आसूरी आपणकर चाषी डरिया दरकार नहीं आमर जो बजार मिलूँ मानकोजेब आकु आम 3 ग्राम गोटे लिटर पिछा ताकु आउ सहित आम जो स्टिकर गोटे मिलूँ से स्टिकर को मिसेक आम जब प्रयोग करवा रोग को आम दमन कर गोटे आसमर जो कौन कोलार रट भी सेटा हूँ आम मूल जगड़ाक जब बेसी पा जमी रहा भी कोलार रट हबार संभावना अच्छी यही कोलार रट पर आम कार्बाडिजिम 2 ग्राम गोटे लिटर पिछा आम प्रयोग करी मूलटा जदि आम टे स्प्रे यही रोग प्रादुर्भाव आम मुक्ति कर हरड़ आम राज्य तथा देश भितर विशेष भाव आदर लाभ कर हरड़ एक डाली जातीय फसल होइथिबारु चाष आरंभ ठारु अमल पर्यंत यार विशेष जत्न नेबाक पड़िथाय विशेषकर फूल और फल धारण समय रोग पोक आक्रमण देखा दिए एपरिक अमल पर किछि पोक याकु आक्रमण करिथांति ए रोग पोक आक्रमण को किपरि नियंत्रण करा जाय परिबो से विषय रे आसंद जानि नबा हरड़ फसल अन्य एक अनिष्टकारी पोक है छुई शोषक पोक साधारणतः दुई प्रकार छुई शोषक पोक हरड़ फसल लगी था गोटे गाढ़ बादामी
ଏବଂ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର। ଏହି ଛୁଇଁ ଶୋଷକ ପୋକ ଫଳ ଉପରେ ଧାଡ଼ିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡାରୁ ନିମ୍ଫ ବା ଅର୍ଭକ ବାହାରି ସେମାନେ ଫଳର ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା କଅଁଳିଆ ମଞ୍ଜିରୁ ରସ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜିଟା ଲୋଚାକୋଚା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଫଳ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ ହେଲା ଛୁଇଁ ମାଛି। ଛୁଇଁ ମାଛିରେ ଦେଖିବା ଖୁବ୍ ଛୋଟ କଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଏ ମାଛିଟି ଫଳର ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଛୁଇଁ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାରୁ ଶୁକ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶୁକ ବାହାରି ସେମାନେ ମଞ୍ଜିର ଅର୍ଧେକ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଛୁଇଁକୁ ଖୋଲିଦେବା ତାହେଲେ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜି ସହିତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୋକର କୋଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହି ତିନୋଟି ପୋକ ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପୋକ ହେଲା ବ୍ଲିଷ୍ଟର ବିଟିଲ ବୋଲି କହୁ ବା ବାଘୁଆ ପୋକ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଭଅଁର ପରି, ଏହାର ଡେଣା ଉପରେ ଲାଲ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ପଟି ଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଫୁଲ ହେବା ସମୟରେ ଏ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୋକଟି ଫୁଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଛୁଇଁ ବାହାରେ ନାହିଁ। କେତେକ ଶୋଷକ ପୋକ ମଧ୍ୟ ହରଡ଼ ଫସଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଯେଉଁ ପୋକ, ଉକୁଣିଆ ପୋକ, କାତି ପୋକ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ପୋକ ଏବଂ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ପତ୍ର ତଳେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି, ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ପତ୍ରଟି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଲୋଚାକୋଚା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି କାତି ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କାଣ୍ଡ ଉପରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହୋଇ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୋକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମହମର ଭଳି ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ। ଏ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କାଣ୍ଡରୁ ରସ ଶୋଷି ଦିଏ, ତେଣୁ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ହରଡ଼ ଫସଲରେ ଆମେ ଯଦି ଭଲକିରି ଘାସ ଲଟା ସଫା କରିବା ଏବଂ ଫସଲକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ପୋକ ଉପଦ୍ରବ କମିଯିବ। ତା ସହିତ ନିମ୍ବ ଭିତ୍ତିକ କୀଟନାଶକ ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦେଇ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫସଲକୁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପୋକ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହା ସହିତ କେତେକ ଜୈବ କୀଟନାଶକ ଅଛି, ଯେମିତି ଛୁଇଁବିନ୍ଧା ପୋକ ପାଇଁ NPV ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଲିହାଇଡ୍ରୋସିସ୍ ଭାଇରସ୍ ଆଧାରିତ ଜୈବ କୀଟନାଶକ ଯଦି ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି 200 LE ବା ଲାର୍ଭାଲ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ବା ଲାର୍ଭା ସମତୁଲ ଦେବା 200 L ପାଣିରେ ମିଶିକରି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏହି ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ବେସିଲସ୍ ଥୁରିଞ୍ଜିଏନ୍ସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜୈବ କୀଟନାଶକ। ଆମେ ଯଦି ଏକର ପ୍ରତି 400 g ବେସିଲସ୍ ଥୁରିଞ୍ଜିଏନ୍ସିସ୍କୁ 200 L ପାଣିରେ ମିଶି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛୁଇଁବିନ୍ଧା ପୋକ ଆକ୍ରମଣରୁ ଫସଲକୁ ଅନ୍ୟପାଳନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଷକ ପୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୈବ କୀଟନାଶକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତା ପାଇଁ ବିଭୁରିଆ ବାସିଆନା ନାମକ ଏକ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଧାରିତ ଜୈବ କୀଟନାଶକ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 5 g ଲେଖା ହିସାବରେ ମିଶି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଷକ ପୋକ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ପୋକ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତା ଏବଂ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ପାଇଁ ନୀଳିଆ ରଙ୍ଗର ଅଠାଳି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏସବୁ ଶୋଷକ ପୋକମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେମିତି ଇମାମେଟିନ୍ ବେଞ୍ଜଏଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି 80 g 200 L ପାଣିରେ ମିଶି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ନୋଭାଲ୍ୟୁରାନ୍ ଯଦି ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି 200 L ପାଣି ମିଶି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, କିମ୍ବା ଥାଇଓଡିକାର୍ପ ଯଦି ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି 300 g 200 L ପାଣି ମିଶି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବିନ୍ଧା ପୋକ ଆକ୍ରମଣରୁ ଫସଲକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଶୋଷକ ପୋକ ଆକ୍ରମଣରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ ଯଦି ଏକର ପ୍ରତି 50 ml 200 L ପାଣି ମିଶି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, କିମ୍ବା ଡାଇମିଥୋଏଟ୍ ଏକର ପ୍ରତି 400 ml ଯଦି ଆମେ 200 L ପାଣି ମିଶି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଫସଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଷକ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ହରଡ଼ ଫସଲ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ହେଲା ଯେ ଝାଉଁଳିଆ ରୋଗ, ଝାଉଁଳା ରୋଗ। ଝାଉଁଳା ରୋଗଟି ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ୍ ବା ପିମ୍ପି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଝାଉଁଳି ଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ପାଣିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ୍ ହେଲେ ଯେମିତି ଗଛ ଝାଉଁଳି ଯାଏ, ମାଟିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ୍ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଗଛଟି ଝାଉଁଳି ଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିବା ଏବଂ ମାଟି ସ୍ତର ପାଖରେ ଥିବା କାଣ୍ଡ ଅଂଶ ବକଳକୁ ଛଡ଼େଇଦେବା, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ କଳା ଦାଗ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏହି କଳା ଦାଗ ବା କଳା ଚିହ୍ନଟି ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ତିକା ଜନିତ ରୋଗ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ
एक लिटर पानी रे 1.5 ग्राम लेखा कार्बेंडाजिम मिसाई जदि आम मूल पाखे मटी को भिजेबा ताहले आम झाउड़ा रोग फसल को रक्षा करि परबा। आउ गोटे मुख्य रोग आम ये अंचल साधारण हरड़ फसल होता है सीटा है बंध्या स्टेरिलिटी मोजेक बंध्या रोग। बंध्या रोग हेले गच्छ गुड़िक झंका देखा जाती से गुड़ाक गोछा हेला भाई देखा जाती पत्र छोट हो जाए गच्छ गुड़िक गोछा देखा जाए एवं गाढ़ एवं हालका सबुज रंग दाग गुड़िक छिट गुड़िक पत्र पर देखा जाए। यह गोटे भूताणु जनित रोग किंतु ये भूताणु अष्टपदी माइट द्वारा आक्रांत गच्छ सुत गच्छ को संक्रमित होता है। तेणु आम ये बाहक माइट को नियंत्रण करने प्रोपारिजाइट आम गोटे लिटर पानी 2 मिलीलिटर हिसाब से किंबा फेनाजाक्विन गोटे लिटर पानी 2 मिलीलिटर हिसाब से जब स्प्रे करवा तेल आम यही माइट अष्टपदी को नियंत्रण कर बाहक द्वारा ये रोग बाहित होगा प्रक्रिया को बंद कर दीपर। आजिर अन्नदाता आपणक सेवा सोपान ने कहार प्रश्नर उत्तर रही आसंत जानिबा। आजिर अन्नदाता कार्यक्रम निशुल्क फोन सेवा माध्यम रे पूरी जिल्लार पिपली ग्रामर चासी संतोष कुमार साहू से कुकुड़ा पालन योजना विषय रे किछि तथ्य जानिबा चाहौछन्ति। आसंत जानिबा हमर ई प्रस्तुति। कोविड पैकेज रे राज्य सरकार तरफ आम लाइव विभिन्न प्रकार लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम डिक्लेयर कराई तामर 500 ब्रॉयलर डीप लिस्ट सिस्टम रे एटा गोटे स्कीम यार उद्देश्य हला जो मानकर सब कोविड समय रे जो माने माइग्रेंट वर्कर्स एवं अन्यन्य फार्मर्स जो मानकर अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाई जो मानकर रोजगार पंथा कमी जाइछि एवं सेमानकु सपोर्ट देवा पाई एटा गोटे स्कीम तामध्यरु एथिरे साधारणतः आमर जे विलिंग फार्मर एवं विभिन्न एंटरप्रेन्योर वोमेन एसएससी ग्रुप रो मेंबर एमाने तार सेमानक पई एटा उद्दिष्ट सेमान अर्थनैतिक उन्नति पई एथिरे आमर सेमाने ब्लॉक लेवल टीम माने गठन करा हाइछि सेमाने तांकर एप्लीकेशन फॉर्म बा एलएन को थ्रू रे बीबीओ को देबे से ब्लॉक लेवल टीम रे आमर बीबीओ अछन्ति बा एडिशनल वीएस अछन्ति आउ एलआई अच्छा से प्राथमिक इनस्पेक्शन करी लैंड ठीक थी से इंटरेस्टेड होते तार से सैड्र जिओटैग फोटो से पठेबे बीबीओ को माध्यम से जिला मुख्य प्राणी चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को आम आसो एवं आमर जिला स्तर से जुडिशियल लेवल कमिटी जिला कलेक्टर चेयरमैनशिप से आप्रुव करेंगे आप्रुव करके सीडीओ तरफ से गुवाहाट लेटर दिजिव दिखे से कार्यदर्शी दिगलापर से कम आरंभ कर घर कम आरंभ करेंगे आमर ब्रॉयलर कुकुड़ा भी से रखे से सब्सिडी 40% सब्सिडी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 40% सब्सिडी से पाया योग्य जोटा कि दुईटा फेज में पाइबे घर कर सारापर एवं सक्सेसफुली फार्म चलला से पाया एलिजिबल हे बर्तमान से स्कीमटा 177,500 टकर स्कीम चाषी भाई मान अनुरोध जो मैंने आप्लाय कर ठीक मनोवृत्ति नहीं जदि यही फार्मिंग करेंगे तेल तर लाभवान हे तर पर प्रतिपोषण यहाँ करें आपण समस्या किंवा मतामत को आमर निःशुल्क फोन रे निश्चय पचारंतु समय अपराह 4-5 आउ नंबर हे 1800-419-2155। समय इशारा दिलानी कार्यक्रम को एट रखिबा काली आउ किछि नुआ तथ्य नै आसिबु देखिबा को आदो भूलिबेनी ठीक एई समय रे विदा दियंतु नमस्कार।